हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे आज बच्चे हम लोग क्लास फोर्थ में हैं चैप्टर फिफ्टीन एंड राइट नाउ वी आर डूइंग एम एम ई टू एम एम ई टू में क्लास फोर्थ में हम लोगों को करना है टेंजेंट प्लेन टेंजेंट प्लेन थोड़ा थोड़ा मैंने लास्ट क्लास में इसको ख़त्म किया था आज फिर से समझो जरा इस डायग्राम को देखो अगर आपका टू डी का कोई ग्राफ है यानी वी आर जस्ट ड्रॉइंग द कर्व ऑन अ शीट ऑफ पेपर तो पेपर पे जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसका टेंजन तो उसी पेपर में ही होगा ना पेपर के ऊपर होगा ना पेपर के नीचे होगा राइट ऑन द पेपर ही होगा क्योंकि सब कुछ टू में ही लाई कर जाएगा टू सरफेस पे ही बट यू थिंक अबाउट कोई भी थ्री डी कोई भी थ्री डी आप इमेजिन करो सपोज uh, यही है हमारा थ्री डी इसका सबसे ऊपर का पॉइंटेड एंड आपको दिख रहा है टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसा कर्व जो इसको एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए तो दिस लाइन इज टेंजेंट, दिस लाइन में भी टेंजेंट दिस में भी टेंजेंट में भी टेंजेंट। अगर ये ले लें हम तो ये पूरा का पूरा इस पर क्या हो गया टेंजेंट हो गया शीट ऑफ पेपर ये भी तो इसको टच करके निकल रहा है तो थ्री में क्या होता है कि टेंजेंट लाइन की बजाय टेंजेंट प्लेन आने लगते हैं तो ये टेंजेंट प्लेन है और इसकी इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट टेंट प्लेन तो थ्री में टेंजेंट लाइन के बजाय हम लोग टेंजेंट प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और इसका भी बेस वहीं से है जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंट चैप्टर फोर में निकालना हम लोगों ने सीखा था ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कि अगर ये एक्स नॉट है बेस वहीं पे छुपा हुआ है और इसका स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट तो वहाँ हम लोग निकालते थे वाई माइनस y, minus y not is equal to dy by dx, dy dx dx at x यानी ये होता था इसकी जगह हम लोग m भी यूज कर सकते थे y minus y not is equal to m into x minus x not तो so दिस was इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्योंकि वो सिर्फ टू वेरिएबल में था एंड दैट was अ टेंजेंट लाइन लेकिन अब और वहां पर सिर्फ एक ही टाइप का पार्शियल डेरिवेटिव होते थे dy by dx. सिर्फ एक ही टाइप का पार्शियल डेरिवेटिव होता था dy by dx. तो यहां अब हम लोग करेंगे कि बहुत टाइप के पार्शियल डेरिवेटिव होंगे दो टाइप के तो देखो जरा नाउ थोड़ा सा साइज बड़ा कर लें इक्वेशन ऑफ क्वेशन ऑफ टेंट प्लेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ये एक थ्री डी का कर्व है एंड दिस इज देंजेंट प्लेन जो इसको बस टच करके निकल जा रहा है और सपोज दिस कर्व इज एफ एक्स वाई ये है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड पॉइंट इज x नॉट y नॉट नॉट y नॉट तो टेंजेंट प्लेन के लिए इक्वेशन हो जाएगी z माइनस डेड नॉट बिकॉज नाउ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ पहले टेंजेंट लाइन के लिए y वॉज अ फंक्शन ऑफ x अब z है फंक्शन इक्वल लिख दिया इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट ये देखो एफ एक्स डैश या पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसको एक्स माइनस एक्स नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस एफ वाई डैश इंटू वाई माइनस वाई नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट तो ये बन गया हमारा एफ एक्स डैश और एफ वाई डैश ये हो गए इक्वेशन ऑफ टेंट प्लेन समझ में आ गया यानी टेंजेंट प्लेन के लिए हमें दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होंगे खाली फर्स्ट ऑर्डर के और एक्स नॉट और वाई नॉट हमें गिवन ही होगा उसको डाल करके टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देनी है कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन किए थे फिर से देखो जरा टेंजेंट लाइन होता था हमारा टू डी में फर्स्ट सेम में जो हमने पढ़ा था तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन सबको याद है वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप इसकी जगह पे हम लोग एम भी यूज करते थे एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट जबकि एम क्या होता था डीवाई बे डी एक्स एट एक्स नॉट उसी पॉइंट पे स्लोप होता था डेरिवेटिव अब हमारे पास टेंजेंट प्लेन के लिए दो दो टाइप के डेरिवेटिव हैं दो दो टाइप के डेरिवेटिव है एक अलोंग एक्स जिसको एफ एक्स डैश कहते हैं और एक अलोंग वाई जिसको एफ वाई डैश कहते हैं दो दो डेरिवेटिव होंगे दो दो टेंजेंट होंगे तो अब टेंजेंट प्लेन हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट एन तो पॉइंट इज एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट भी लगा लो पॉइंट इज एक्स नॉट वाई नॉट एन जेड नॉट क्योंकि ये थ्री डी का कर्व है तो जेड माइनस जेड नॉट इज इजल टू एफ एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई डैश इंटू वाई माइनस वाई नॉट बहुत ही इजी इक्वेशन है एक क्वेश्चन करते हैं फिर ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा अभी एक इजी क्वेश्चन उसके बाद से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन

एफ एक्स वाई क्या है हमारा कर्व कर्व क्या है हमारा एफ एक्स वाई किस कर्व पे टेंजेंट निकालना है यस yes, भूमिका किस कर्व पे टेंजेंट निकालना है ठीक है अमूल्य और पॉइंट एक पर्टिकुलर दे रखा है जिसको टच करता हुआ टेंजेंट क्रॉस करेगा व्हाट इज दैट पॉइंट अनन्या कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट ठीक है अब जिन बच्चों से पूछा नहीं है ये मत सोचना क्योंकि नाम भले ही एक दो तीन ले ले लेकिन सभी बच्चे मेरे लिए बराबर हैं ठीक है तो सब अपने अपने मन में जवाब दे ही रहेगा तो मैच कर लो कि आपका सही है या नहीं है यहाँ देखो क्योंकि मीटिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सबसे पूछे यहाँ ध्यान दो अब हमें चाहिए एफ एक्स डैश पूछने के पीछे मकसद होता है कि कोई बच्चा सो नहीं जाए आउट ऑफ क्लास नहीं चला जाए तो एफ एक्स हमें चाहिए टेंजन प्लेन के लिए दोनों पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए तो एफ निकालेंगे तो कीपिंग वाई एस कॉन्स्टेंट वाई को हमें टच नहीं करना बच्चे तो एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स का हो गया टू सॉरी टू वाई का हो गया वन एक्सक्वायर का डेरिवेटिव हो गया टू एक्स यहाँ पर टू और वाई इज कॉन्स्टेंट और एक्स का हो गया वन ये पूरा कॉन्स्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो फिर एफ वाई डैश निकालेंगे तो अब इस बार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो बिकॉज देर इज नो वाई और वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वाई इज कॉन्स्टेंट तो टू और वाई को लिख दो सॉरी टू और एक्स को लिख दो और वाई का हो गया वन और टू वाई स्क्वायर का क्या हो गया फोर वाई पार्शियल डेरिवेटिव निकालना तो ईजी है सबको प्रैक्टिस भी हो गया है अब हम लिखेंगे गिवन है पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इज इक्वल टू वन वन फाइव सो एफ एक्स डैश एट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इस पॉइंट पे इस पॉइंट को मान लो ना पी

अब एफ वाई डैश निकालेंगे एट पॉइंट पी एफ वाई डैश निकालेंगे तो टू एक्स प्लस फोर वाई तो टू एक्स की जगह बच्चे एक्स नॉट और वाई की जगह वाई नॉट ये रहा एक्स नॉट वाई नॉट तो टू इंटू वन प्लस फोर इंटू वन कितना हो गया ये हो गया सिक्स अब लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय इज गिवन बाय एग्जाम में पूरा प्रोसेस और लैंग्वेज के साथ लिखना होता है अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं एफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई अब देखो मैंने डैश नहीं लगाया तो भी अंडरस्टूड है कि वो डैश ही रहा होगा जेड माइनस जेड नॉट कैन यू टेलमी दैल्यू जेड नॉट दैट इज फाइव तो जेड माइनस फाइव एफ एक्स डैश की वैल्यू ये रही और एफ वाई डैश की वैल्यू ये रही तो फोर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इज वन प्लस एफ वाई डैश इज सिक्स वाई माइनस वाई नॉट वाई नॉट ये रहा। दिख रहा है वन अब बस आपको इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है सारे टर्म्स को कि सारे एक्स वाई जेड जो है वो एक साइड आ जाए और कॉन्स्टेंट को एक तरफ रख दो तो थोड़ा सा बस अब सिंप्लीफाई करना है जेड माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर प्लस सिक्स वाई माइनस सिक्स सारे एक्स वाई जेड को एक साइड रखेंगे तो फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस जेड माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टेन उधर गया तो टेन माइनस फाइव इज फाइव सो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन तो मेरे ख्याल से अब आप इजी क्वेश्चन की कैटेगरी तो समझ गए होंगे जिसमें सीधा सीधा हमें कर्व दिया होगा एक पॉइंट दिया होगा और पूछा होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ये तो आप निकाल लोगे अब एक थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन जेड इज इक्वल टू प्रूव दैट द टेंजेंट प्लेन प्रूव दैट द टेंट प्लेन प्रूव डेट देंजेंट प्लेन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई बाई एक्स कुछ लग रहा है मिस प्रिंट है ये एफ ऑफ वाई बाई एक्स होना चाहिए जस्ट लेट मी चेक इट हाँ ये इसमें मिस प्रिंट है यहाँ पर एफ ऑफ वाई बाई एक्स है एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स इसको आप लोग सही कर ये है पीडीएफ में है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है अब ब्रैकेट के बाहर ना एफ लगा लेना पीडीएफ में ये क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है तो ये जेड इज टू एक्स इंटू ये एफ मिसिंग है इसको आप एफ अपना कर लेना पासिस थ्रू दी ओरिजिन पासिस थ्रू दी ऑरिजिन अब देखो ये कोई कर्व होगा और इसका जो टेंजेंट प्लेन होगा वो ऑरिजिन से होकर के गुजरेगा ये हमें प्रूव करना है तो देखो इसमें हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा कर्व है एंड सपोज दिस पॉइंट इज अल्फा बीटा गामा ये है हमारा जेड दिस कर्व इज जेड इज इक्वल टू एक्स इन टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स कर्व है थ्री डी का कर्व है और एक पॉइंट तो हमें लेट करना पड़ेगा बच्चे का टेंजेंट लाइन निकालना हो या फिर टेंजेंट प्लेन निकालना हो एक पॉइंट तो हमें चाहिए नहीं तो हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे ठीक है अब इस पे जो टेंजेंट प्लेन बनेगा इससे क्रॉस करता हुआ उस टेंजेंट प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है क्लियर तो यहाँ पर एक चीज है कि पॉइंट हमें गिवन नहीं है पॉइंट भी हमें खुद से कार्पिट्रेडी लेना होगा तो हम लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गामा पी पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट लाइज ऑन कर्व लाइज ऑन कर्व एट विच एट विच वी हैव टू फाइंड टेंजेंट एट विच वी हैव टू फाइंड The tangent plane. और इस पॉइंट पे जब हम टैंजेंट प्लेन निकाल देंगे तो बाद में उसको शो करेंगे कि वो ओरिजिन से पास करेगा तो अभी तो काम सीधा साधा है एक कर्व दिया हुआ है और इसका हमें निकालना है लेकिन कुछ एक्स वाई ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है फंक्शन भी थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड ही है एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स है तो देखो जरा जेड इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स अब केयरफुली जेड एक्स डैश जब आप निकालोगे तो एक्स अंदर भी है और एक्स बाहर भी है तो कौन सा रूल लगेगा कौन सा रूल लगेगा डिफ्रेंसिएशन करते वक्त प्रोडक्ट रूल चलो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं अभी मैंने एक्स को कांस्टेंट रखा ध्यान से देखना आउटर फंक्शन इज एफ तो एफ डैश बन गया वाई बाई एक्स और फिर y बाई एक्स को करेंगे तो y कांस्टेंट वन बाई एक्स का हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर समझ में आ गया मैंने y को नहीं छेड़ा खाली वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर जिनको नहीं समझ में आया बच्चे पूछोगे तो फिर बताएंगे अब सेकेंड टाइम में इसको कॉन्स्टेंट रखा और x का आ गया वन जेड एक्स डैश की वैल्यू आ गई अब हम निकालेंगे एट पॉइंट P, अल्फा बीटा गामा जेड एक्स डैश देखो तो कहाँ कहाँ क्या क्या पुट करना है ये x की जगह एल्फा x की जगह एल्फा एल्फ़ा एल्फ़ा और हर y की जगह बीटा 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 तो देखो क्या आने वाला है जेड एक्स डैश की वैल्यू एल्फ़ा एफ डैश बीटा बाई एल्फ़ा इंटू माइनस बीटा बाई एल्फ़ा स्क्वायर, प्लस एफ ऑफ बीटा बाई एल्फ़ा ठीक है अब जरा गौर से देखो ये तो फंक्शन के बाहर है ना तो एक अल्फा एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस बीटा बाय अल्फा इंटू एफ डैश ऑफ बीटा बाय अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा बाय अल्फा इसको आप संजो करके कहीं पर रख लो ये बहुत काम आएगा अभी थोड़ी देर में जेड एक्स डैश निकाल लिया अब हम लोग निकालेंगे जेड जेड वाई डैश निकालेंगे तो कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट इस बार इस एक्स को टच नहीं करना एक्स को रहने दो एक्स को रहने दो और फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश वाई बाई एक्स और अभी सिर्फ हमें वाई पे फोकस करना है वन बाई एक्स को मैंने कॉन्स्टेंट जैसा रख दिया और वाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया वन सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया है तो ये बाहर वाले x को तो छेड़ना ही नहीं था ये नंबर जैसा कॉपी हो गया अब खाली हमें इसको डिफरेंशिएशन करना है तो वी जस्ट आउटर फंक्शन f तो f y by x, और y by x में से वन बाई एक्स निकाल लिया y का हो गया वन ये देखो ना ये तो एक्स एक्स कैंसिल कितना सिंपल आ गया अब हम किस पॉइंट पे निकालेंगे एट पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा ये बच्चे क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी रखा है और जरूरी नहीं है कि आ रखा है तो फिर नहीं आएगा फिर दोबारा दे सकते हैं एट पी एल्फा बीटा गामा जेड वाई डैश विल इक्वल टू एफ डैश बीटा बाय एल्फा एफ डैश बीटा बाय एल्फा तो देखो दो चीजें हैं ना इन दोनों को पूरा आप ऐसे शेड कर दो क्योंकि इनको यूज करना ना टेंशन निकालते वक्त अब लिखेंगे Equation of tangent is given by Equation of tangent is given by Z minus Z naught is equal to ZX dash into X minus X naught plus ZY dash into Y minus Y naught. यहाँ पर जेड नॉट बच्चे गामा है, बिकॉज पॉइंट इज एल्फा बीटा गामा सो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट जेड एक्स डैश की जगह पे हम डालेंगे माइनस बीटा अपॉन एल्फा एफ डैश बीटा अपॉन एल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा अपॉन एल्फा पूरा ब्रैकेट लगा दो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है एल्फा समझ में आ रहा है या गया सबको सर के ऊपर से जा रहा है आ रहा है ना समझ में सभी को ठीक है अब जेड वाई डैश की वैल्यू बच्चे डालने वाले हैं एफ डैश इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है एफ डैश बीटा अपॉन अल्फा वाई माइनस वाई नॉट की जगह पे क्या डाल देंगे बीटा ठीक है ये आ चुका है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है क्या आ चुका है चुका है इट इज द इक्वेशन ऑफ़ टेंजेंट। अब एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं, फिर वापस आएंगे क्वेश्चन पे अगर मान लो कुछ ऐसा देते हैं थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो एंड प्रूव डेट पासिस थ्रू ऑरिजिन पासिस थ्रू जीरो जीरो तो हम लोग क्या करते थे पहले कि इस इक्वेशन में ज़ीरो जीरो डालो और देखो एल में अगर जीरो जीरो डालते हैं आर का अगर सेटिस्फाई कर गया एल एच एस इजुक्ल टू आर आ गया देन यस इट पासिस थ्रू जीरो ज़ीरो तो ज़ीरो जीरो डाला जीरो ज़ीरो यस तब हम लिखेंगे एल एच एस इजुक्ल टू आर तो यस इट पासेज थ्रू जीरो ज़ीरो अब अगर यही चेक करें कि पासिस थ्रू वन वन तो क्या ये पास करेगा क्योंकि आप यहाँ पे वन वन डालोगे तो थ्री इंटू वन प्लस फोर इंटू वन इजिक्वल टू ज़ीरो ये क्या कभी ऐसे मैथमेटिक्स में हो सकता है कि एक तरफ नॉन जीरो आ जाए और एक तरफ जीरो आ जाए मैथमेटिकली तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होता ना तब हम कहेंगे कि नहीं सिंस इट इज़ नॉट मैथमेटिकली ट्रू हेंस कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू वन वन तो यहीं पर लॉजिक छुपा हुआ है जो आगे हम स्टेप करने वाले हैं अब इस वाले इस वाले टेंजेंट में भी हमें प्रूव करना है कि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है तो हम जेड की जगह जीरो डालेंगे एक्स की जगह जीरो डालेंगे वाई की जगह जीरो डालेंगे इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां वहां जीरो डालेंगे अल्फा, बीटा, गामा की जगह नहीं बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं डायग्राम देखो ये जो है ये कहीं आगे चल करके ओरिजिन से पास करेगा टेंजेंट <tangent> प्लेन <plane> कई बार बच्चे समझ लेते कि यही ओरिजिन है ये ओरिजिन नहीं है ये तो कोई अदर पॉइंट होगा जो कि कर्व पे होगा और उस पर जब टैंजन बनाएंगे तो वो आगे चल करके कहीं हो सकता है ओरिजिन को क्रॉस करके निकल जाए तो वही हमें दिखलाना नहीं तब तो फिर आप ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो क्वेश्चन में क्या है प्रूव डेट टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास करेगा ये थोड़ी कहा है कि ओरिजिन इज अ पॉइंट ऑन द कर्व और टेंजेंट उसी पे आपको निकालना है ये नहीं करना तब तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता हमें तो ये दिखलाना है कि इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालोगे हर टेंजेंट ओरिजिन से ही क्रॉस करेगा ये हमें शो करना है ठीक है इसलिए हमने आर्बिट्री पॉइंट अल्फा बीटा गामा लिया आप क्वेश्चन समझ में आ गया एग्जाम में वो क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज़्यादा बस इसका फॉर्म जो है वो बदल करके दे देंगे कुछ और फंक्शन दे देंगे सेम टू सेम नहीं देंगे नहीं तो बच्चे तो यहीं से कॉपी कर लेंगे या जहाँ भी उनके पास अगर सॉल्यूशन है तो कॉपी कर लेंगे तो वो नहीं देंगे थोड़ा सा चेंज कर देंगे बाकी लॉजिक यही होगा इसलिए स्टेप्स पे आप ध्यान दो अब ध्यान दो इसमें हम लोग पुट करेंगे लेट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं लेट इट पासिस थ्रू ऑरिजिन हम लोग पहले मान लेते हैं कि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है सो इट विल सेटिस्फाई सो ऑरिजिन विल सेटिस्फाई इसको कुछ नाम दे दो इक्वेशन इक्वेशन पहले माना है इसमें वन टू माना है इसको थर्ड दे दो सो इट विल सेटिस्फाई दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई थर्ड इक्वेशन तो ये देखो एक्स की जगह जीरो डाल दिया मैंने ज़ीरो माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन एल्फ़ा ये तो बड़े मज़े से बस कॉपी करते रहो बीटा बाई एल्फ़ा प्लस एफ बीटा बाई एल्फ़ा इंटू जीरो माइनस एल्फा प्लस एफ डैश पॉन एल्फा वाई की जगह पे जीरो माइनस बीटा इस चीज को हम एक बार फिर से हाईलाइट करना चाहेंगे अब तो आगे काम कोई भी कर सकता है अब आगे का काम बस सिंप्लीफिकेशन का है माइनस गामा इज इक्वल टू ध्यान से देखो ये है एफ डैश इस माइनस एल्फा को इन दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर माइनस है दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये अल्फा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा बीटा एफ़ डैश बीटा पॉन अल्फ़ा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं इसको एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा अल्फा कैंसिल माइनस माइनस प्लस बीटा एफ़ डैश बीटा बाई अल्फा फिर इधर आ जाएगा माइनस अल्फा इसके साथ तो माइनस कंटिन्यू करेगा एफ ऑफ बीटा बाय अल्फा और इधर क्या आ गया माइनस बीटा एफ डैश अपॉन अल्फा कुछ आपको दिख रहा है आर एच एस पे मुझे तो दिख गया ये दोनों सेम टू सेम थे कैंसिल हो गए अब हमारे पास खाली बच करके आ गया माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस एल्फा एफ ऑफ बीटा पॉन एल्फा ये माइनस माइनस को भी कैंसिल कर दो ना आ गया गामा इज इक्वल टू एफ पॉन एल्फा लिखेंगे विच इज is... हाँ हाँ अब अब ध्यान दो विच इज ट्रू मैथमेटिकली ट्रू हो गया क्योंकि

एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स आगे बात समझ में तो ये ट्रू है तो हम लिख देंगे तो इस केस में जो टेंजेंट है वो हमेशा ही ऑरिजिन से क्रॉस करेगा था ना अच्छा क्वेश्चन बताओ पूरा दिमाग को स्क्वीज कर दिया होगा इसने आपकी गलत फहमी हटा दी होगी कि अरे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो बहुत इजी टॉपिक है तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं इसका बच्चे आप लोग स्क्रीन ले लो क्योंकि आज के आज ही इसको फिर से दोबारा आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना इसका स्क्रीन ले लो ये आपके बुक में भी क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व नहीं किया हुआ है अनसॉल्व क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया आप इसको कर लेना खुद से ले लिया स्क्रीनशॉट ठीक है तो अब टेंजेंट प्लेन तो हो गया उसके बाद से और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब आपको मिलेंगे तो अब आपको कर लेना है थर्टी फाइव से थर्टी नाइन तक तो टेंजेंट प्लेन के बेसिस पे होमवर्क आपको दिया जा रहा है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन ठीक है तो फ्रॉम थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन ये आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं सारे और तो बच्चे हमने टेंजेंट प्लेन कर लिया और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दे दिया आप कर लेना नेक्स्ट इज हेसन मैट्रिक्स हेसन मैट्रिक्स हेसन मैट्रिक्स एक खास टाइप का मैट्रिक्स है जो कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के लिए डिसाइडेड है कि किस प्लेस पे कौन सा डेरिवेटिव आना है और इसका कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन अभी हमें चैप्टर 15 में नहीं पढ़ना लेकिन चैप्टर 18 में कैलकुलस 2 का जो लास्ट चैप्टर होगा उसमें जब लेगरेंजन मल्टीप्लायर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं और वहाँ पर हेसन मैट्रिक्स निकालते हैं अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो श्योर हम श्योर हो जाते हैं कि हमारा पॉइंट जो वो है वो मैक्सिमा है और जब नेगेटिव आएगा तो श्योर sure हो जाएंगे कि पॉइंट पॉइंट इज ऑफ मिनिमा लेकिन टेक्निक तो हमें चैप्टर में ही सीखना है तो नेक्स्ट टॉपिक इज इजन मैट्रिक्स ध्यान दो जरा जेड अगर, अगर तीन वेरिएबल का फंक्शन है यानी उसमें एक्स भी है वाई भी है और जेड भी है तो हेसन मैट्रिक्स कहता है कि आप इस मैट्रिक्स में थ्री वेरिएबल है तो थ्री बाई थ्री का बनेगा यहाँ पर हमेशा सेकेंड ऑर्डर आएंगे यानी एफ़ वन वन एफ वन टू मैट्रिक्स का आपने ट्वेल्थ में पढ़ा था ना पोजीशन याद है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री जैसे पोजीशन लिखते थे ना टू वन टू 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 थ्री ए वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री वैसे ही यहाँ पर डेरिवेटिव का भी लोकेशन होगा यानी एफ वन वन डेरीवेटिव एफ वन टू डेरीवेटिव सेकेंड डेरीवेटिव एफ वन थ्री का सेकेंड डेरीवेटिव एफ टू वन का सेकेंड डेरीवेटिव एफ टू टू का सेकेंड डेरीवेटिव एफ टू थ्री सेकेंड डेरीवेटिव इन सब का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है बच्चे ये मैंने क्या लिखा है इन अदर वर्ड्स आप इसको समझ सकते हो कि फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव विध रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली वन का मतलब एक्स टू का मतलब वाई थ्री का मतलब जेड

बस ये टेक्निक है ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा ही क्यों हमने पहले ये क्यों नहीं लिया बाद में ये क्यों नहीं लिया बस ये स्ट्रक्चर होता है हमें बनाना होता है सिनमेट्रिक्स में तो इसमें भी बच्चे टेंजेंट प्लेन जैसा एक इजी क्वेश्चन और एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन तो हमारा इसमें प्रिपरेशन हो जाएगा चलो क्वेश्चन करवाते हैं एक मैंने आपको फंक्शन दे दिया एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेट टू दावर फोर कंस्ट्रक्ट इन बोल लो यान बोल लो जो भी बोलना चाहते हो अब हमें फॉर्मेट पता है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं हेसन मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या होता है लिखेंगे सिंस हेसन मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज एफ एक्स एक्स सेकेंड डेरीवेटिव एफ़ एक्स वाई सेकेंड डेरीवेटिव एफ एक्स जेड सेकेंड डेरीवेटिव एफ वाई एक्स सेकेंड डेरीवेटिव एफ वाई वाई सेकेंड डेरीवेटिव एफ वाई जेड सेकेंड डेरीवेटिव एफ जेड एक्स सेकेंड डेरीवेटिव एफ जेड वाई सेकेंड डेरीवेटिव एफ जेड जेड सेकेंड डेरीवेटिव लेकिन ये सारी वैल्यूज़ है नहीं हमारे पास तो चलो हम लोग निकालते हैं एफ एक्स डैश निकाल लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही ईजी है बस एक ही जगह एक्स है इन सब का जीरो जीरो हो जाएगा बिकॉज देर इज नो एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चे टू एक्स एफ वाई डैश करेंगे तो खाली वाई का करेंगे तो थ्री वाई स्क्वायर एफ जेड डैश करेंगे तो जेड टू पावर फोर का करेंगे तो फोर जेड क्यूब फोर जेड क्यूब अब हमें सेकेंड ऑर्डर पे जाना है तो ये देखो fx x मतलब जो पहले x हो चुका उसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में तो जब आप सेकेंड टाइम x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये लो आ गया 2 अब आप अगर सेकेंड टाइम y के रिस्पेक्ट में सोच रहे हो तो इज देयर एनी y इज देयर एनी y नो no. तो पूरा का पूरा 2x जो है वो कांस्टेंट हो गया तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0 फिर आपने fx z डबल डैश के बारे में सोचा इज देयर एनी z इनटू fx डश कोई जेड नहीं है तो पूरा का पूरा जीरो मैंने कहा ही था कि पहला क्वेश्चन ईजी है एफ वाई एक्स डबल डैश करेंगे इज नो एनी वाई यस तो वाई पे वेट करेंगे सिक्स वाई वाई जेड डबल डैश करेंगे देर इज नो जेड सो इट्स डेरीवेटिवी जीरो जेड एक्स सेकेंड डेरिवेटिव देर इज नो एक्स सो इट्स बी जीरो एफ जेड वाई डबल डैश देर इज नो वाई इसका भी जीरो F -Z -Z -double -dash. ये क्या आ जाएगा फोर थ्री जेड ट्वेल्व जेड स्क्वेर नाउ पुटिंग ऑल दैल्यूज इन एच पुटिंग ऑल वैल्यूज इन एच तो एच मिलेगा हमें ये तीनों किस में आएंगे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में जल्दी बताओ सोच के जिस तीन पे मैंने येलो टिक मारा है ये फर्स्ट रो में आएंगे या फर्स्ट रो में आएंगे देखो ना ये इनका पोजीशन हाँ फर्स्ट रो में तो निकला है तो ये हो गया फर्स्ट रो आर वन में आएगा दिस विल कम इन आर टू एंड दिज ऑल वैल्यूज विल कम इन आर थ्री यहाँ से ये तीन ये तीन और ये तीन ऊपर वाली वैल्यू गलती से मत लिख लेना तो टू जीरो जीरो फिर जीरो सिक्स वाई जीरो फिर जीरो जीरो ट्वेल्व जेड स्क्वायर अब अगर पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ या कुछ भी फाइंड एट एनी गिवन पॉइंट तो बस हम एक्स वाई जेड डाल देंगे वो भी एक मैट्रिक्स हो जाएगा तो डेट इज इजी थिंग अगर ऐसा पूछागा तो वो तो, तो आप निकाल ही लोगे क्लियर बच्चे तो अब एक क्वेश्चन दे आपको करने के लिए हाँ पूछो I mean, इसका इकोनॉमिक यूज जो है क्यों पढ़ रहे हैं क्या क्योंकि हम लोग अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो ई लॉजिकल तो पढ़ेंगे नहीं सबका तो लॉजिकल होगा ही होगा इसका लॉजिक चैप्टर 18 में बताएंगे मैंने आपको बताया है जब हम कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे ना जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे तो आपने फर्स्ट uh, सेम में भी पढ़ा है और ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते थे एफ एक्स डैश इज इक्वल टू जीरो करते थे तो हमें स्टेशनरी वैल्यू मिलती थी मिलती थी ना अब वो पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है कैसे वेरीफाई करते थे सेकेंड ऑर्डर से मतलब एफ एक्स एक्स डबल डैश निकालते थे और फिर अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया तो हम बोलते थे कि मिनिमा है और अगर लेस देन ज़ीरो आ गया तो मैक्सिमा ऐसे डिसाइड करते थे ना साइन से तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में चैप्टर 18 में जब हम लेगरेंजन मल्टीप्लायर मेथड अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी कुछ स्टेशनरी पॉइंट्स निकल करके आएंगे लाइक अल्फा बीटा कुछ ए बी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे अब इन पॉइंट्स में से कौन सा है पॉइंट मैक्सिमा का और कौन सा है पॉइंट मिनिमा का इसके लिए वहाँ पर हम लोग एक निकालेंगे डी जो कि होगा जीरो जी एक्स डैश जी वाई डैश अभी बता करके क्या फ़ायदा जी एक्स डैश इसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर डिटर्मिनाट फिर एफ एक्स एक्स डबल डैश लेगर इंजन वाला फंक्शन एफ एक्स वाई डबल डैश एफ वाई एक्स डबल डैश मतलब अभी बस मैंने लिख दिया अगर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो मैंने चैप्टर एटीन में पढ़ा रखा है आप उसको भी पढ़ सकते हो अब अगर डी पॉजिटिव आ जाता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आया डिटरमिनेंट का वैल्यू डिटरमिनेंट तो निकालने आता है तो मैक्सिमा का पॉइंट और डी जब नेगेटिव तो मिनिमा यही है इंटरप्रिटेशन लेकिन यह हमें चैप्टर एटीन में करना है अभी नहीं ठीक है बच्चे तो जब चैप्टर एटीन में करेंगे तो वहां तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर तो वहां इसका यूज हो जाएगा अब एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहेंगे और अ, मेरी उम्मीद है कि आप लोग सभी को इस क्वेश्चन को कर सकते हो एक क्वेश्चन है इजी है कोई ज्यादा टफ नहीं है एक फंक्शन दे रखा है ए ए बी टी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी टू प्लस थ्री ए माइनस ट्वेंटी फाइव टी माइनस सेवेंटी फाइव बी स्क्र माइनस ए बाई बी कंस्ट्रक्ट इट्स हैसन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट इट्स हैसन मैट्रिक्स बस पता है इसमें क्या वो चेक करना चाहते हैं आपका पेशेंस और कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन मतलब आप कितना इसको कोऑर्डिनेट कर पाते हो कोरिलेट कर पाते हो चीज़ों से अगर एफ एक्स वाई जेड दे देता तब तो आपके लिए इजी हो जाता है इन्होंने एक्स वाई जेड की जगह क्या दे दिया है ये देखो एक्स की जगह ए है वाई की जगह बी है और जेड की जगह क्या है टी है यानी कैपिटल ए बी टी आर नॉट कॉन्स्टेंट दे आर वेरिएबल और एफ की जगह स्मॉल ए है यानी स्मॉल ए इज़ फंक्शन और उसके वेरिएबल हो गए ए बी टी अब आप हिसन का फॉर्मूला लिखो कि क्या बनना चाहिए कंस्ट्रक्शन और फिर सारी वैल्यूज निकाल करके उसमें पुट करो दो मिनट से आ, से कम टाइम तो नहीं लगेगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को करो आई एम जस्ट वेटिंग नाउ सी बच्चे अब सबका हो चुका है सभी बच्चे जरा मैच करो कि क्या आपका सॉल्यूशन मैच करता है या नहीं और जिनका जिनका सॉल्यूशन मैच करेगा ना मुझे आ, लिख करके भेजना कि यस मैम और जिनका नहीं मैच करेगा वो नो मैम लिख करके भेजना अब देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले ए पहले इसका कंस्ट्रक्शन तो कर लें कि एच विल बी इक्वल टू पहचान लिया हमने कि वेरिएबल कौन सा है फंक्शन कौन सा है तो ए A, 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 डबल डैश ए ए बी डबल डैश ए ए टी डबल डैश फिर बनेगा ए बी ए डबल डैश ए बी बी डबल डैश ए बी टी डबल डैश ए टी ए डबल डैश ए टी बी डबल डैश ए टी टी डबल डैश अब बारी आ रही है सबको निकालने की ए, ए डैश निकालेंगे ए कहाँ कहाँ है यहाँ है और यहाँ है बाकी सब जीरो यानी वन ट्वेंटी टू का डेरिवेटिव हो गया जीरो थ्री ए का थ्री और 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 इधर ए का देखेंगे तो माइनस वन बाई बी ठीक है अब निकालेंगे ए बी डैश तो बी 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 यहां है और बी यहां है तो माइनस वन फिफ्टी बी और यहां बी नीचे है तो वन बाई बी का क्या हो जाता है माइनस वन बाई बी स्क्वायर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए बाई बी स्क्वायर प्लस ए बाई बी स्क्वायर अब रह गया थर्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ए टी डैश ए टी डैश तो बहुत ईजी है एक ही जगह मुझे टी दिख रहा है ये लो माइनस ट्वेंटी फाइव ए टी डैश क्या हो गया माइनस ट्वेंटी फाइव तो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे इसका ये हो रहा है आई एम सो एक्साइटेड कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर लें डबल डैश जीरो ए टी बी डबल डैश ज़ीरो ए टी टी डबल डैश जीरो और ये बन जाता है हमारा थर्ड रो ना थर्ड थर्ड रो हाँ ठीक है थर्ड रो जिसमें ये सब जीरो जीरो आ जाएंगे अब ए ए डबल डैश में हम लोग करेंगे ए ए ए डबल डैश क्या इसमें कोई ए है नहीं है जीरो आ गया बच्चे ए ए बी डबल डैश क्या इसमें बी है यस माइनस माइनस प्लस वन बाय बी स्क्वायर फिर ए ए टी डबल डैश देर इज नो टी सो इट्स डेरिवेटिव इज जीरो ए बी ए डबल डैश बी को विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे ए के ए के रिस्पेक्ट में वन बाई बी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये जीरो और ए का कोफिशियंट है वन बाई बी स्क्वायर वन बाई बी स्क्वायर ए बी बी ए के बाद बी आ गया बी बी डबल डैश करेंगे तो यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है बच्चे तो माइनस क्या हुआ हाँ देखो जो पहले बी के रिस्पेक्ट में हो चुका है उसको ए के रिस्पेक्ट में करना है तो ए तो सिर्फ इसी में है अब ए के रिस्पेक्ट में तो वन बाई बी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट और ए का हो गया वन तो वन बाई बी स्क्वायर रहेगा यहीं पे गलती हुई थी क्या ए बी बी डबल डैश करेंगे अब जब बी बी डबल डैश करेंगे तो बी देखो बच्चे यहां भी है और यहां भी है तो केयरफुल हो जाओ माइनस वन फिफ्टी तो ईजिली लिख दिया लेकिन वन बाई बी स्क्वायर का क्या होता है वन बाई बी स्क्वायर को जब ऊपर ले जाते हैं तो बी टू दाइनस टू और याद आ गया ना माइनस टू बी टू दावर माइनस थ्री यानी माइनस टू बाई बी क्यूब डेरिवेटिव करने के बाद तो इधर आ जाएगा माइनस ए को तो कांस्टेंट कर दिया और टू बाई बी क्यूब यानी माइनस टू ए अपॉन बी क्यूब और ए बी टी डबल डैश करेंगे इस जर एनिटी मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा जीरो ये आर वन में अरेंज कर देना है ये तीनों आर टू में अरेंज कर देना है तो हेसन मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन एच दिस इज इन फर्स्ट रो तो जीरो लगता है किसी का मैच कर गया ये भूमिका होगी यस yes, अनन्या रिया अमूल्या तृप्ति सबका मैच कर गया ठीक है तो ज़ीरो और किसका किसका मैच किया वजीहा इमरान ठीक है वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे आते हैं सब इंटेलिजेंट ही होते हैं इसलिए काम हम लोगों का क्या हो जाता है थोड़ा सा आसान हो जाता है सफा हमीद का भी मैच कर गया ठीक है जीरो वन बाई बी स्क्वायर जीरो वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन फिफ्टी माइनस टू ए अपॉन बी क्यूब और फिर जीरो फिर जीरो 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 और पूरी एनर्जी बना करके रखनी है क्लास में अगर आप थोड़े से डीले या तो पड़े तो भुगतना आप ही को पड़ेगा फिर नंबर कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर होगा या नॉलेज में कमी रह जाएगी तो मेरे क्लास के लिए थोड़ा देर पहले आप ब्रेक ले लिया करो कुछ गरम अगर कॉफ़ी चाय पीते हो तो वो पी करके मतलब जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है वो काम करके आप आया करो एन्जॉय किया करो मेरी क्लास को तभी मज़ा आएगा तो ये था हमारा हिस्स मैट्रिक्स और अभी सिर्फ नौ बजे अभी भी हमारे पास आधा घंटा है तो अब हम इकोनॉमिक एप्लीकेशन पे मूव कर सकते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से पेपर में आते हैं इकोनॉमिक एप्लीकेशन इसमें पांच क्वेश्चन करा रहे हैं कोई ना कोई एक तो आता ही आता है और यही सेम क्वेश्चन आपको फिर चैप्टर सेवनटीन में भी मिलेंगे और एटीन में भी मिलेंगे इसलिए ध्यान से देखना सम इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्वेश्चन सम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस क्वेश्चन नंबर वन ये लैंग्वेज है फॉर दी दॉ प्रोडक्शन फंक्शन फॉर द कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन कॉपडलस प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन एक्सप्लेन एम पी एल एम पी एल का फुल फॉर्म आपको पता है हाँ मार्जिनल हाँ मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर एम पी के मार्जिनल प्रोडक्ट टू कैपिटल एंड एम पी टी अगर हम टी लैंड के लिए यूज कर रहे हैं तो एम पी टी इज मार्जिनल प्रोडक्ट टू लैंड ये तीनों निकालने हैं एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसी को पता है डिमिनिशिंग uh, रिटर्न का लॉ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पढ़ाए या नहीं पढ़ा है पढ़ा है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अभी ठीक है अब देखो इन्होंने एमपीएल एमपी के और एमपीटी पूछा है इसका मतलब फंश कॉप डब्ल्यूस प्रोडक्शन फंक्शन जो होगा उसमें कौन कौन सा वेरिएबल हमें लेना है एल भी लेना है के भी लेना है और टी भी लेना है अगर खाली इन्होंने एम पी एल और एम पी के पूछा होता तो हम कॉप डब्लुस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ सिर्फ लैंड और लेबर लेते अभी तीन पूछे इसलिए हम लोग लैंड लेबर और कैपिटल तीनों लेंगे अगर खाली एम पी एल और एम पी के होता तो केवल लेबर और कैपिटल लेते यहाँ देखो लेट कॉप डॉक्ल्स प्रोडक्शन फंक्शन का तो फॉर्मेट मैंने बच्चे आपको समझा दिया था पहले ही तो लेट कॉप डॉक्लिस प्रोडक्शन फंक्शन के एल टी फॉर्मेट क्या होता है एक कांस्टेंट बार में मल्टीप्लाई हो जाता है के टू द पावर ए एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी वेर ए बी सी ऑल आर पॉजिटिव एंड बिटवीन जीरो एंड वन सच दैट की इन आइडियल सिचुएशन ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा वन याद आ गया सबको बिल्कुल पहली क्लास में ये तो यूट्यूब पे भी फ्री में डला हुआ सबने पढ़ी लिया होगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन कॉप डॉक्स प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मेट यही होता है बच्चे के फॉर कैपिटल एल फॉर लेबर एंड टी फॉर लैंड मार्जिनल वर्ड लगा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर यानी हमें ये देखना है कि अगर लेबर का वन यूनिट से इंक्रीज़ कर दें अब वन यूनिट में आप कितना लेबर मानते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है लेबर को हम मेज़र कर सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से भी कि अगर एक लेबर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज़ होगा इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हम कोई भी इनपुट बढ़ाएंगे प्रोडक्शन को तो बढ़ना ही बढ़ना ही, ये तो सबको पता है चाहे आप लैंड बढ़ाओ चाहे लेबर बढ़ाओ चाहे कैपिटल बढ़ाओ प्रोडक्शन तो नो no डाउट हर बार इंक्रीज करेगा क्योंकि ये तो लॉ होता है कि आप किसी भी इनपुट फैक्टर को बढ़ाओगे प्रोडक्शन भी क्या होगा बढ़ेगा लेकिन कितना बढ़ेगा एक लेबर इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा दैट इज कॉल्ड एमपीएल और कीपिंग कैपिटल एंड लैंड कांस्टेंट यानी पहले अगर आपने दस करोड़ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे तो अभी भी आप दस करोड़ ही इन्वेस्ट कर रहे हो पहले एक एकड़ में आपने अगर फैक्ट्री खोली थी अभी भी एक एकड़ की ही फैक्ट्री है आपने बस नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिए या फिर उन्हीं वर्कर्स का टाइमिंग बढ़ा दिया लेबर मतलब मेहनत मेहनत को आप इंसान के नंबर से भी बढ़ा सकते हो या फिर उसके वर्किंग आवर से भी बढ़ा सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे स्टडी करते हो आपने अगर काम का ड्यूरेशन बढ़ा दिया तो भी प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो इसलिए जब हम एम पी एल निकाल रहे हैं तो बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे यानी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एल यही तो बात समझनी है बस उसके वैसे तो काम आसान है समझ में आ गई बात जब भी मार्जिनल होगा और एक से ज़्यादा फैक्टर है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे इससे पहले एम एम ई वन में हम लोग सीधा डी एफ बाई डी एक्स कर देते थे वो क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट ये सब के लिए हम लोग सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते थे अब पार्शियल पे ध्यान देंगे अब हो गया बस अब इसके वैसे तो मैथमेटिक्स आ गई पूरी की पूरी एक कॉन्स्टेंट है कॉपी कर दिया एल के नज़रिए से ये कॉन्सटेंट है ये कॉन्सटेंट है इनको जल्दी से बाहर निकाल दो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है अब डेल बाय डेल एल कर दिया एल टू बी का तो देखो ए के टू पावर ए टी टू दी पावर सी बी आ गया नीचे एल टू पावर बी माइनस वन ये हो गया एम पी एल जरा एम पी एल के बारे में डिस्कशन कर लें एक बार कि इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव या नेगेटिव ये देखो ए तो हमेशा पॉजिटिव होता है अब बेस अगर पॉजिटिव है कैपिटल तो पावर भी पॉजिटिव है कुछ भी हो ये पॉजिटिव ही आना है बच्चे ये भी पॉजिटिव आना है ये भी पॉजिटिव आना है क्योंकि बेस पॉजिटिव है अब सारी बातें आकर के रुकती है इस बी पे तो बी भी तो बच्चे पॉजिटिव ही था ना बिटवीन जीरो एंड वन था तो था तो पॉजिटिव तो अभी जो बी उतर करके साइड में नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो इट इज स्टिल पॉजिटिव तो प्रोडक्ट के बाद भी क्या देगा पॉजिटिव यानी प्रोडक्ट के बाद भी देगा पॉजिटिव सो एम पी एल इज पॉजिटिव यानी लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ेगा क्लियर अब हम निकालेंगे एम पी के डायरेक्टली निकाल लें अब तो सबको इतना प्रैक्टिस हो गया है एम पी के करेंगे तो देखो ना ए को बाहर लिख देंगे एल को बाहर लिख देंगे टी को बाहर लिख देंगे इसका ए नीचे आ जाएगा और के टू दर ए माइनस वन अब तो बस फटाक फटाक करना है ए एल टू दावर बी टी टू दावर सी ए नीचे आ गया के टू द पावर ए माइनस वन फिर वैसे ही ए पॉजिटिव है एल पॉजिटिव है टी पॉजिटिव है के पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव फिर एम पी टी निकालेंगे एम पी टी के लिए डेल एफ बाई डेल टी निकालेंगे बच्चे ए आ गया एल टू द पावर बी के टू द पावर ए और टी का सी नीचे आ जाएगा टी टू द पावर सी माइनस वन अगेन दिस इज पॉजिटिव 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 और सी इज ऑल्सो पॉजिटिव दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव सो ऑल द मार्जिनल प्रोडक्ट एनी इनपुट फैक्टर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव तीनों निकाल लिया अब लॉ ऑफ डिमनिशिंग रिटर्न पे आते हैं उसके लिए हमें एम पी एल एल निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव मतलब एम पी एल तो है ही एक बार और उसको लेबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो देखना जरा इसका मतलब है है डेल डेल एल हमें इसके साथ करना है। यही है ना एमपीएल की वैल्यू ए के टू पावर ए टी टू पावर सी बी एल टू पावर बी माइनस वन देखो जरा एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस बार इन चीजों को कॉपी कर दो क्योंकि ऑल दीज आर जस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एल सो वी कैन जस्ट टेक इट एज कॉन्स्टेंट सो इट विल बी ए के टू दावर ए टी टू दावर सी बी और अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी माइनस वन आ गया साइड में एल टू दावर बी माइनस टू एल टू दावर बी माइनस टू अब जरा ध्यान दो आप लोग इसमें कोई मुझे बता सकता है इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव किसने बोला नाम बताते चलो डर क्यों रहे हो किसने बोला नाम तो बताओ भूमिका ओके एनी अदर किसी को आइडिया लग गया कि ये क्या है पॉजिटिव है या नेगेटिव है नेगेटिव ही होगा हाँ ठीक है सही है नेगेटिव होगा क्योंकि बी माइनस वन जो है तो बी तो फ्रैक्शन है ना बच्चे मैंने क्या बताया था ए बी सी तीनों ही बिटवीन ज़ीरो एंड वन है सपोज कर लो कि बी की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट सेवन टू कुछ ऐसी वैल्यू है अब बी माइनस वन करोगे तो जीरो पॉइंट सेवन टू माइनस वन कितना आ जाएगा जो भी आएगा माइनस जीरो पॉइंट एट नेगेटिव आ रहा है ना तो इस एक चीज़ की वजह से पूरी चीज़ में मल्टीप्लाई हो गया तो दिस इज़ नेगेटिव तो एम पी एल एल नेगेटिव आया है इसका मतलब है कि अगर आप लेबर पे लेबर बढ़ाते चले जा रहे हो ध्यान से सुनना पहली बार लेबर बढ़ाया मान लो एक वर्कर और अपॉइंट कर लिया उस वर्कर ने आया उसने प्रॉफिट जनरेट किया अगर रुपीज ट्वेंटी का एक प्रोडक्ट पे ट्वेंटी रुपीज का प्रॉफिट वो हमें दिला दे रहा है तो आप दूसरा लेबर लाओगे और सोचोगे वो भी मुझे बीस रुपये देगा तो गलत है हो सकता है कि दूसरा सेकंड टाइम जब आपने बढ़ाया एक और को अपॉइंट किया तो वो उन्नीस रुपये दे रहा है आपको तीसरे पे हो सकता है सत्रह चला जाए चौथे पे हो सकता है चौदह चला जाए कहोगे मैम ऐसा क्यों क्योंकि ये नेगेटिव है प्रॉफिट तो सब देगा प्रॉफिट तो सब देगा नाउ सी तो देखो नो no डाउट प्रॉफिट तो मिलेगा हमें यानी प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ पहले बार में बीस रुपए का फायदा हुआ या प्रोडक्शन अगर 20 यूनिट्स का हुआ तो दूसरे बार में हो सकता है कि प्रोडक्शन उतना ही सेम से नहीं इंक्रीज हो थोड़ा कम इंक्रीज होगा फिर थोड़ा कम इंक्रीज़ होगा इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट के साथ तो ये हमारा कहलाता है लॉफ डिमिनिशिंग रिटर्न समझ में आ रही है बात रिटर्न तो पॉजिटिव है लेकिन वो डिमिनिश कर रहा है मतलब वो कम कम होता जा रहा है सबको समझ में गई बात बच्चे ये नहीं ऐसा थोड़ी होता नेगेटिव होने का हम इंतज़ार हाथ पे हाथ धरे में तो हम लोग बेवकूफ़ है जो बिज़नेस खोल के बैठे हैं नेगेटिव कभी नहीं होने देते मतलब आप वर्कर को लाओ भी उसको पूरा दो सेटअप पूरा तैयार करके दो उसको क्वार्टर दो सब कुछ दो सारी फैसिलिटीज़ दो उसके बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ और वर्कर को ला करके और फिर उसके बाद उसको पैसे भी पकड़ाओ और वो हमें लॉस दिला रहा है तो हम ऐसे वर्कर को रख के करेंगे क्या कोई भी इंसान ऐसे वर्कर को नहीं रखता जो हमें लॉस कराए तो नेगेटिव तक तो हम वेट करते ही नहीं हैं ठीक है नहीं लॉस करने के बाद लेकिन वो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स है ना कि हो सकता है फ्यूचर में भयंकर प्रॉफिट हो तभी अब आपको पता नहीं और आप लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस किए चले जा रहे हो तो ऐसा इकोनॉमी में तो नहीं होता ना कोई नहीं करता करते हैं तो वेट करते हैं फ्यूचर प्रडिक्शन होता है कि अभी थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है तो एक दो सीजन ऐसा चलेगा तो फिर अगले बार बढ़ जाएगा तभी लोग लॉस को भी सहते हैं अब आपको पता ही नहीं आप लॉस पे लॉस किए चले जा रहे हो उसको बीस साल से लॉस पे ही चला रहे हो बिजनेस को तब तो कोई नहीं चलाएगा आगे बात समझ में तो चैप्टर थ्री में याद नहीं है जब कुछ ऐसा इकोनॉमिक टर्म्स में कुछ आ जाता तो तुम शट डाउन पॉइंट मतलब हम नेगेटिव होने का वेट नहीं करते बंद कर देते हैं वहीं पे काम इसी सब के लिए तो बिजनेस एनालिस्ट एनालिस्ट सब की अपॉइंटमेंट होती है कंपनीज़ वगैरह में वो लोग सारा फाइल वाइल तैयार कर रहे होते हैं सारा पॉलिसी बना रहे होते हैं आप लोग भी जब बहुत ज्यादा पढ़ लोगे एम ए वगैरह कर लोगे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बाद में आप लोग भी यही काम करोगे बुढ़ापे में बैठ करके बस टेबल पे साइन करोगे और पॉलिसीज बनाओगे बड़े बड़े कंपनीज के लिए तो ये हो गए ट्वेंटी सेवेंटीन फोर्टीन मतलब इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट के साथ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एम पी एल एल नेगेटिव है एम पी के भी निकालोगे तो वो भी नेगेटिव होगा क्यों क्योंकि के में क्या आया था बताओ ए आया था ना नेक्स्ट टाइम में फिर ए माइनस वन आएगा ये भी नेगेटिव एम पी टी टी में सी माइनस वन आ जाएगा नीचे वो भी नेगेटिव तो तीनों ही नेगेटिव आएंगे अभी आप पूछना रुक जाओ थोड़ी देर तीनों ही नेगेटिव आएंगे यही है लॉ ऑफ डिमिशिंग रिटर्न तो जब भी लॉ ऑफ डिमिनेशिंग रिटर्न प्रूव करने को आएगा क्वेश्चन तो आपको सेम वाले सेम वाले मतलब एल को एल क्रॉस मत कर देना क्योंकि क्रॉस करके देखो तो जरा क्या आता है वो पॉजिटिव हो जाएगा यानी ल के निकालो जरा ये एम पी एल था ना अब हम इसको के के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं ए के टू पावर ए टी टू पावर सी बी एल टू पावर बी माइनस वन जब इसको के के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ए विदाउट के वाली चीजों को बाहर ले लो ए टी टू पावर सी बी एल टू पावर बी माइनस वन के का पावर आ गया नीचे के टू पावर ए माइनस वन अब जरा डिसाइड करो ये पॉजिटिव 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 लो भाई ये तो पॉजिटिव आ गया तो क्रॉस वाले सभी क्या आते हैं हमेशा पॉजिटिव कोई भी ले लो टी के पॉजिटिव एम पी एल टी पॉजिटिव मतलब सब पॉजिटिव आएंगे क्रॉस वाले यानी बिजनेस में हमेशा एक ही फैक्टर को बढ़ाने की मत सोचो ये मत सोचो कि अरे एक लेबर मुझे प्रॉफिट दे रहा है तो अब लेबर की लेबर की लेबर की अपॉइंटमेंट करते चलो नहीं लेबर बढ़ा रहे हो तो आपको कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए मतलब अच्छे अच्छे मशीन्स और मंगाओ लैंड का दायरा भी बढ़ाना चाहिए मतलब थोड़ा एरिया भी फैलाओ तब जा कर के ग्रोथ होगा और बढ़िया ग्रोथ होगा तो ये जो पॉजिटिव बता रहा है ये बता रहा है कि अगर आपने पहली बार में लेबर बढ़ाया और फिर कैपिटल बढ़ाया तो अब इस बार रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज कर जाएगा यानी बीस के बजाय अब हो सकता है इक्कीस बाईस पे पहुंच जाए आपका इसलिए हमें हर इनपुट फैक्टर पे ध्यान देना चाहिए किसी एक पे ही स्टिक होकर के नहीं रहना चाहिए इतनी ही बातें मुझे समझानी थी इस एग्जाम्पल में अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो चलो यहाँ देखो बच्चे क्वेश्चन ये था कि एक बच्चे ने पूछा मूल्या ने कि अगर ए टू दावर माइनस वन नेगेटिव है तो आप इस पूरी चीज़ को पॉजिटिव कैसे ले ले रहे हो मान लो कि ये टू है टू टू दावर माइनस फाइव पावर नेगेटिव है तो आपके हिसाब से ये नेगेटिव होना चाहिए देखो तो जरा मैथमेटिक्स का रूल है कि आप इसको नीचे लेते जाओ वन बाई थर्टी टू रहेगा हमेशा पॉजिटिव क्योंकि सब कुछ बेस पे डिपेंड करता है पावर पे कुछ नहीं होता पावर नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे बेस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है है तो वैल्यू आएगी क्लियर ठीक है। एनी अदर डाउट इस क्वेश्चन में अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू इसलिए वो हम लोग कर लेते हैं अगर आप लोग मुझे इजाजत दो तो बहुत ज्यादा अगर ब्रेन हैंग हो चुका है तो फिर हम छोड़ देंगे मुझे टॉर्चर नहीं करना क्योंकि अभी स्टार्टिंग है टाइम बहुत ज़्यादा है कोई इतना हड़बड़ी नहीं है करें क्वेश्चन नंबर टू इसी से मिलता है जुलता है या फिर नेक्स्ट क्लास में करें अब भी ठीक है चैट बॉक्स में मुझे इंटरेस्ट रहता है क्योंकि वहां पे छुप छुप के बच्चे लिखते हैं ना नो मैम ब्रेन इज हैंग्ड ओके ठीक है चलो अगर एक भी बच्चे का ब्रेन हैंग हो गया तो अभी हम टॉर्चर नहीं करेंगे अभी बहुत टाइम है अगर एग्जाम नज़दीक रहता तो हम पूछते भी नहीं करवाते जाते करवाते जाते क्योंकि नेक्स्ट वाले में भी डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग करेंगे इस चीज़ को क्लास फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर टू से हम लोग शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक एप्लीकेशन में इकोनॉमिक एप्लीकेशन है और उसके बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में इकोनॉमिक एप्लीकेशंस तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फ्राइडे को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करवा देंगे और फिर उसके बाद आपको पूरा सेगमेंट कंप्लीट करना होगा सैटरडे संडे में ओके okay, बच्चे जिनको कुछ पूछना है छोटे मोटे डाउट्स वो रुक सकते हैं पूछ सकते हो अभी भी टाइम है हमारे पास और नहीं तो फिर हम क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं तो बच्चे आज इतना ही हो गया अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है जिनको कुछ पूछना है या डिस्कस करना है कोई भी बातें वो रुक सकते हैं अदरवाइज़ आवर क्लास नाउ टुडे कम्प्लीट सो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम